हेलो फ्रेंड्स, स्टडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित जारवाल। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मल रेडिएशंस के बारे में। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है थर्मल रेडिएशन का, थर्मल रेडिएशन इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज़ एमिटेड व्हेन एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर आर गिवन एनर्जी। ठीक है, यानी हमारी जो थर्मल रेडिएशंस हैं ये एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और जो एमिट होती हैं हमारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स को अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस वो थर्मल एनर्जी को रेडिएट करते हैं और इस कारण से हमारे किसी भी मैटर से थर्मल रेडिएशंस निकलती हैं। उसके बाद दूसरा है, नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट्स ट्रांसमिशन, यानी किसी भी मीडियम का ज़रूरत हमें इसमें नहीं है रेडिएशन के प्रोपोगेशन के लिए। जैसे कि हमने देखा था कन्वेक्शन और कंडक्शन में हमें मीडियम की ज़रूरत होती है ताकि हमारी हीट ट्रांसफ़र हो सके, तो यहाँ पे हमें रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र के लिए रेडिएशंस को किसी भी तरह के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। रेडिएशन एनर्जी इन फैक्ट अकर मोस्ट इफ़ेक्टिवली इन वैक्यूम, यानी रेडिएशन एक्सचेंज वैक्यूम में जबकि ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है, एनर्जी रिलीज्ड बाय रेडिएटिंग सरफेस इज़ नॉट कंटिन्यूस बट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन्स। यानी जो हमारी सरफेस एनर्जी रेडिएट कर रही है वो कंटिन्यूस फॉर्म में ना रहकर पैकेट्स के फॉर्म में रहती है जिसे हम बोलते हैं फोटोन्स, और ये प्रोपोगेट करते हैं इन अ स्ट्रेट पाथ विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट थर्मल रेडिएशन इज इन द रेंज ऑफ 0.1 से 100 माइक्रोन, यानी 0.1 से 100 माइक्रोन के बीच में हमारी जो थर्मल रेडिएशन है वो मोस्टली हम देख सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए थर्मल रेडिएशन का ग्राफ बनाते हैं विद रेस्पेक्ट टू वेवलेंथ, तो ये जीरो वेवलेंथ से चालू होकर हमारा ग्राफ पहले इंक्रीज़ होता है, फिर उसके बाद एसिम्प्टोटिकली इन्फाइनाइट तक जाता है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि 0.1 से 100 माइक्रोन्स के बीच में हमारी थर्मल रेडिएशंस मैक्सिमम एमिट होती है बाय एनी मैटर। ठीक है, यानी एरिया अंडर हमारे ये जो कर्व के अंदर का एरिया है ये हमें बताएगा थर्मल रेडिएशन की क्वांटिटी को। वैसे जीरो से इनफाइनाइट तक थर्मल रेडिएशन हमारी इमिट होती हैं, पर इधर 0.1 के बाद और इधर 100 के बाद वो लगभग नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होती है, इसलिए हम इफेक्टिव थर्मल रेडिएशन को 0.1 से 100 माइक्रोन्स के बीच में ही मानते हैं। ठीक है, अब जैसे रेंज ऑफ थर्मल रेडिएशन 0.1 से 100 माइक्रोन, जिसमें हमारा कुछ पार्ट कवर होता है अल्ट्रा वायलेट रेज का, जैसे कि 0.1 से 0.4, उसके बाद कंप्लीट पार्ट कवर होता है विजिबल रेंज का 0.4 से 0.7, और कंप्लीट पार्ट कवर होता है इंफ्रारेड का 0.7 से 100 माइक्रोन्स तक। ठीक है, तो ये हो गया इसी रेंज के बारे में। उसके बाद अगला पॉइंट है, ऑल सरफेसेस एट ऑल टेम्परेचर एमिट थर्मल रेडिएशन, यानी सभी तरह के सरफेसेस सभी टेम्परेचर्स पे थर्मल रेडिएशंस एमिट करते हैं और रेट ऑफ एमिशन प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4 पे। तो जिस सरफेस का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वो उतना हाई रेट से थर्मल रेडिएशन को एमिट करेगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, एवरी सरफेस अलोंग विद एमिशन आल्सो एब्जॉर्ब द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट कम्प्लीटली और पार्शियली, यानी हर सरफेस हमारा एमिशन तो करेगा ही सही थर्मल रेडिएशन का, साथ में वो एब्जॉर्ब भी करता है कम्प्लीटली और पार्शियली, वो डिपेंड करता है हमारे सरफेस के नेचर के ऊपर। तो यानी कंटिन्यूसली सिस्टम में
एमिशन और एब्जॉर्प्शन चलता रहता है। जैसे मान के चलें हमारे पास एक ही बॉडी है, सॉलिड बॉडी जो TS टेम्परेचर पे है, और इसको सराउंड किया हुआ है एक दूसरी हॉलो बॉडी ने जो TE टेम्परेचर पर है, और इनके बीच में वैक्यूम है। और हमारा जो TS जो सरफेस का टेम्परेचर है वो हमारा हॉलो बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है, TS ग्रेटर देन TE। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा TS सरफेस है ये हाई टेम्परेचर पे है तो ये ज़्यादा इंटेंसिटी से रेडिएशन एमिट करेगा, जिसे हमारी बाहर की होलो सरफेस एब्जॉर्ब करेगी, और उसके बाद हमारी साथ ही साथ होलो सरफेस भी रेडिएशन को एमिट करेगी, जिसे हमारी सॉलिड बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। तो कंटिन्यूसली इसी तरीके से एमिशन ऑफ रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन काम करता है, और जिससे हमारा रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो सॉलिड बॉडी एमिट्स रेडिएशन एज इट इज़ एट हाइयर टेम्परेचर विच इज़ एब्जॉर्ब बाय होलो बॉडी, एंड इट ऑल्सो एब्जॉर्ब हीट एमिटेड बाय होलो बॉडी। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, अ सरफेस एमिट्स रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शंस एनकम्पास्ड बाय अ हेमिस्फेयर। यानी हमारा जो भी सरफेस होगा वो 0 से लेके 180 डिग्री तक हर डायरेक्शन में रेडिएशन को एमिट करेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक प्लेन सरफेस था, ये ज़रूरी नहीं है प्लेन हो, ये हमारा रफ सरफेस भी हो सकता है, और यहाँ पे हमने हमारे सरफेस का एक छोटा एलिमेंट्री सरफेस अज्यूम कर लिया। तो ये हमारा जो एलिमेंट्री सरफेस है ये 0 से लेके 180 डिग्री तक एक हेमिस्फेरिकल शेप में हर डायरेक्शन में रेडिएशन को एमिट करेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मल रेडिएशंस के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।